डाक बंगले की मेज पर फैला नीले रंग का नक्शा उसकी आंखों के सामने फैलता चला गया कर्नल साहब की उंगली ढोलन वाल और उसके गिरदा गिर्द मकामात पर लगे पर इलाके के चप्पे चप्पे को नक्शे की मदद ऐसी उन्होंने खान के जहन में नक्श कर दिया था लेकिन रात के इस आलम में जब कोई समत की भी सही तौर पर निशानदही नहीं कर सकता था वो कोई भी अंदाजा लगाने से कासिर थे रात टूट टूट कर वक्त की गोद में गिर रही थी आसमान खुल लगा था बादलों के टुकड़े फट कर तहलील होने लगे थे तारे अब एक एक करके नुमाया हो रहे थे और खान अपने ट्रेनिंग क्लास में पहुँच गया ये कुतबैन है दो सितारे बस इन्ही से रहनुमाई हासिल करनी है तुमने सदियों से ये रास्ता दिखाते आ रहे हैं काफिलों को और ये जो दुमदार सा सितारा पहली कुतबैन के नीचे नजर आ रहा है इसे हमेशा अपने बाएं कंधे पर रख कर अपनी सम्त का तयन करना बाएं कंधे पर रखोगे तो भारत पहुंच जाओगे और दाएं पर पाकिस्तान आंखों पर मोटे शीशे की एनक जमाए

इस बात का खास ख्याल रखा था कि वो ढोलन वाल मुनासिब फासला बरकरार रखते हुए आगे निकल जाए। उसे बताया गया था कि उसके बाद उसे एक नहर उबूर करना होगी अब जंगली घास का सिलसिला करीबन खत्म हो चुका था और वो खेतों और उनके किनारे लगाए गए दरख्तों की आड़ में काफी संभल कर कदम उठाता आगे बढ़ रहा था वो जानता था की नाका उमूमन किसी झाड़ी के नजदीक किसी दरख्त के नीचे लगाया जाता है क्यूँकी नाका लगाने वाले भी जानते हैं की उनका शिकार उसी तरफ आएगा गाँव के बाहर नजर आती रोशनी मध्यम पढ़ते पढ़ते अब मां पड़ गई थी शायद लोग थक हार कर सो गए थे ये बात तो खान समझता था कि अगर अब कोई उनके घरों के बाहर ढोल भी पीटना शुरू कर दे तो वो लोग जागेंगे नहीं क्योंकि वो शराब और थकावट के मुश्तर शिकार होकर घोड़े बेच कर सो रहे थे अपनी जेब से घड़ी निकाल कर उसने वक्त देखा की साढ़े बारह बज रहे थे गाँव के गिर्द एक लंबा चक्कर काट कर वो अपनी समत अंदाजे से सही रख कर चल रहा था आबाद इलाका अब पीछे रह गया था इसलिए खान ने अपनी रफ्तार भी बढ़ा दी थी उसकी आंखें मुकम्मल होशियारी के साथ अंधेरे के आर पार झांक रही थी अभी वो गांव से बमुश्किल दो तीन फरलांग ही दूर निकला था। अचानक तरह एक दूसरे को सिग्नल देकर आपस में मिलाप करती हैं। कौन हो सकते हैं सोचता हुआ वो फौरन अपनी जगह बैठ गया और उकड़ू अंदाज में उस झाड़ी की तरफ सरकने लगा जहाँ उसके छुपने के इम्कान थे उसके झाड़ी के नजदीक पहुंचने तक ऐसे मजीद कई कौंदे लपके थे खान ने अंदाजा लगा लिया था कि ये जो कोई भी है किसी बाकायदा फौज का हिस्सा नहीं फिर उसने सोचा अगर ये बी एस एफ नहीं तो कौन है इतने अनाड़ी मकामी होम गार्ड ही हो सकते हैं उसके जहन ने फैसला किया उसके की तस्दीक चंद मिनट बाद हर बात पर कह कहा भी जरूर लगाते थे उन्हीं की जबानी खान को ये इल्म भी हो गया कि एक पाकिस्तानी खतरनाक जासूस भी इसी इलाके में घूम रहा है इन गार्ड्स का ताल्लुक नजदीकी देहात से था और करीबन एक घंटा पहले उनके सरपंच को पक्की मिलिट्री यानी आर्मी वालों ने जगा कर ये इतला दी थी और कहा था कि वो गांव में मौजूद होम गार्ड्स को इस तरह पहरा देने के लिए फैला दे सरपंच ने उनके सामने दिवाली का रोना रोया लेकिन आने वालों ने बताया कि मामला इतना संगीन है कि उन्हें बादल नखास्ता ये हुक्म मानना ही पड़ेगा सरपंच या होम गार्ड्स की क्या मजाल थी कि वो इनकार करते इन बेचारों के हाथों से बोतलें और ग्लास छीन लिए गए और उनकी बजाय राइफलें और टॉर्चें देकर उन्हें उस तरफ भेज दिया गया था ये चारों होम गार्ड्स पाक स्पाय और भारतीय आर्मी को बेतहाशा गालियां बक रहे थे जिन्होंने मिलकर उनकी दिवाली का कबाड़ा किया था और खान दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांग रहा था कि वो जल्दी से यहाँ से हटे तो वो आगे निकले उसे बताया गया था की भारत के सरहदी इलाके में रहने वाले नौजवानों को मामूली सी ट्रेनिंग देकर उन्हें सरकार की तरफ से राइफलें दे दी जाती है ताकि वो रात को अपने अपने गाँव की निगरानी कर सके और दोनों अतराफ के नापसंदीदा अनासर से निमट सकें। इस काम का उन्हें गो के मामूली ही सही मुआवजा बाकायदा दिया जाता है पाँच सात मिनट बाद वो वहाँ से हट कर टोली की शक्ल में बातें करते उसी रास्ते की तरफ चल दिए जिससे गुजर कर खान यहाँ आया था मैदान साफ होते ही वो बाहर निकल आया ये बात किसी आम आसाब रखने वाले एजेंट के लिए बिजली के जबरदस्त झटके से कम नहीं थी कि उसके फरार की खबर इर्द गिर्द के देहात में फैल चुकी है और फौज और आवाम मिलकर उसके गिर्द घेरा डाल रहे हैं लेकिन खान फौलादी आसाब का मालिक था यूं ही तो उसे इस ख़तरनाक काम के लिए मुंतब नहीं किया गया था चौकन्ने और खूंखार चीते की तरह उसे बहर सूरत ये हांका तोड़ कर निकलना था इस मरतबा उसकी रफ्तार तेज थी अगले आध घंटे बाद वो नहर के नजदीक पहुंच चुका था नहर उससे बमुश्किल गज दूर थी और खान उसके अबूर करने के इमकान का जायजा ले रहा था की कि दूसरे किनारे पर रोशनी का एक और हाला बुलंद हुआ पहले तो उसने यही कयास किया की कि ये किसी मंदिर या मकान पर किए गए चरागह की रोशनियाँ होंगी लेकिन उसके देखते ही देखते रोशनियाँ मुतहरक हो गयी तब उसे अंदाजा हुआ कि नहर के परली तरफ जीप घूम रही है शायद वो लोग उसी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे नहर से जीप का फासला खासा था खान को ज्यादा गया सूबेदार साहब ने बताया था कि नहर से ऐसी करीब मील दूर एक पक्की सड़क फौजी मकासित के लिए तामीर की जा रही है ये जीप शायद उसी सड़क पर 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 थी उसे उसे फौरन ही एक फैसले फैसले पहुंचना था और खान जिस फैसले पर पहुंचा उसे आम हालात में पागलपन ही से ताबीर किया जा सकता है लेकिन इन हालात में उसे बहर हाल यही दलराना फैसला करना था खान जानता था कि ये घेरा उसके गिरदा गिर्द फैलता चला जाएगा वो अगर इस जाल से निकल सकता था तो सिर्फ रात के अंधेरे में रात ही उसका साझा साइबान था अगर यह साहबान हट जाता और वो उजाले की गिरफ्त में फंस जाता तो वो लोग दिन की रोशनी में एक एक इंच जमीन पर उसे ढूंढने निकल पड़ते और उसके बच निकलने के वो आगे ही आगे बढ़ता चला जाए इस तरह गनीम भी अपना जाल खुला करता चला जाएगा और बिलाखिर वो कहीं से भी इस जाल में नकब लगा कर निकल सकेगा अपनी जेब से उसने पॉलिथिन पेपर का तह किया हुआ एक थैला निकाला अपने तमाम कपड़े में बंद करके उसके सिरे को मजबूती से गांठ लगाकर पीठ पर बांध लिया उसी थैले में उसके लिए दूसरी जूती भी रखी थी अपने पाओ में पहने कैनवस शूज उसने वही गढ़ा खोद कर दबा दिए और नहर में उतर गया नहर में पानी बहुत कम था कहीं कहीं उसे तैरना पड़ा दूसरे किनारे पर पहुंच उसने कपड़े पहने और जूती पाओ में डालकर वो थैला भी वही एक खेत में दबा दिया अब वो फूंक फूंक कर कदम रखता उस सड़क की तरफ बढ़ रहा था जिससे थोड़ी देर पहले जीप गुजरी थी सड़क तक वो बगैर किसी रुकावट के पहुंच गया फिर धड़कते दिल लेकिन मजबूत और पुर एतम कदमों से उसने सड़क भी उबूर कर ली अब उसके कानों में आता आहिस्ता कहीं भी दूर होती भजन कथा की आवाजें भी आने लगी फिर उसकी नजरें आसमान की समत उठी तो वहाँ उसके राहबर कुतबैन भी मौजूद थे खान ने खुदा का शुक्र अदा किया कि अभी तक उसने रास्ते की समत नहीं खोई थी वरना उमूमन होता यही है कि आदमी सारी रात की भाग दौड़ के बाद सुबह देखता है कि वो जहां से चला था वहीं खड़ा है घास में होने वाली खिलाफ मामूल हलचल और भाग दौड़ के असर सरहद के दूसरी तरफ भी महसूस किए जा रहे थे वाइट लाइन के साथ साथ गश्त करने वाली पेट्रोल पार्टियों ने फौरन ही ये इतला अपनी अपनी पिकट पर पहुँचा दी थी की भारतीय इलाके में अचानक ही बेतहाशा रिजर्व फोर्स घुस आई है ऐसा उमूमन इन्ही हालात में होता था जब उन्हें किसी खतरनाक पाकिस्तानी की आमद या वापसी की खबर मिला करती थी रेंजर्स के कंपनी हेड क्वार्टर की तरफ ऐसी आगाही दे दी उनकी हासिल करदा इतलात के मुताबिक बी एस एफ के नजदीकी हेड क्वार्टर ऐसी तमाम रिजर्व फोर्स को उस तरफ नाकाबंदी के लिए भेज दिया गया है रेंजर्स के कंपनी हेड क्वार्टर की तरफ ऐसी तमाम पाकिस्तानी पोस्टों को स्टैंड बाय ऑर्डर मिल गए और दिन की ड्यूटी वाले जवानों ने भी एमरजेंसी ड्यूटी संभाल ली इस खबर पर सबसे ज्यादा तश्वीश इस पाकिस्तानी पोस्ट के पिकेट कमांडर को थी जिसकी पोस्ट से खान और सिंह ने क्रॉस किया था पोस्ट कमांडर खुद हाथ में राइफल पकड़े सरहदी लकीर के साथ साथ गश्त करती पार्टियों की निगरानी कर रहा था जब उसके हवालदार ने एक सरहदी बुर्जी के पास खड़े हुए उसके कंधे पर आहिस्ता से हाथ मारकर उसे खास इशारा किया उसके साथ ही बिजली किसी फुर्ती से दोनों उसी जगह बैठ गए हवालदार ने जिस समत उंगली उठा रखी थी वहाँ घास में किसी के बड़े एहतियात से चलने की आवाज आ रही थी रात के वक्त जंगली जानवर भी नहीं चला करते ये कोई ही था। पिकेट कमांडर ने हाथ के मखसूस इशारे से हवालदार को वहाँ से हट कर पोजिशन के लिए कहा थोड़ी देर बाद उनकी समत टॉर्च जल कर बुझी जो इस बात का इशारा था की आने वाले दोस्त थे लेकिन ये भी मुमकिन था की दुश्मन की कोई चाल हो और उन्हें धोखा देने के लिए ऐसा किया गया हो उसने हाथ के इशारे से हवालदार को वहीं होशियार होने को कहा और खुद अपना रिवॉल्वर हाथ में पकड़े आने वाले का हो रहा नौवारिद उसी बुर्जी के नजदीक आ रहा था जब वो नमुदार हुआ तो चांद की रोशनी में उसने राइफल स्लिंग के साथ कंधे से लटका रखी थी और दोनों हाथ उठाए हुए था पिकट कमांडर अचानक ही उठ उसके सामने आ गया उसकी रिवॉल्वर की नाली नौवारिद की तरफ उठी हुई थी हॉल्ट वो ललकारा जवाब मिला फ्रंट पहचान पिकट कमांडर चौकन्ना था हवालदार ने नौवारिद को निशाने पर लिया हुआ था जवाब में आने वाले ने जो कोर्ट दोहराया उसे सुनकर पिकेट कमांडर का रिवॉल्वर वाला हाथ झुकता चला गया उसने नौवारिद को जो बी का कोई हवालदार था अपने पीछे आने का इशारा किया और उसकी रहनुमाई करता हुआ पिकेट की तरफ चल दिया पिकेट पर पहुँच कर लालटेन की रोशनी में पिकेट इंचार्ज को पहचान कर नौवारिद ने कहा गालिबन आप ही पिकेट कमांडर है वो बोले तुम्हारे लिए चाय नौवारिद ने उसकी बात काट दी नहीं मैं बड़ी मुश्किल से निकला हूं और अगर थोड़ी देर तक वापस न गया तो बात बिगड़ जाएगी आप मेरा रबता फॉरन जी सी वन से करवा दें फॉरन कंपनी हेड क्वार्टर के जरिए नौवारिद का रहा फॉरन इंटेलिजेंस के कर्नल साहब से करवा दिया गया अपनी पहचान करवाने के बाद कॉन्टैक्ट ने उन्हें बताया सर नथा सिंह डबल क्रॉस हो गया था पार्सल ने उसे गला घूंट कर मार डाला और खुद निकल गया है उसकी तलाश में चारों तरफ रिजर्व फैल रही है दूसरी तरफ ऐसी इस तफसार पर उसने अपनी मालूम की हद तक वाकत ऐसी उन्हें आगाह कर दिया फोन पिकट कमांडर को दो दूसरी तरफ ऐसी कहा गया यस सर शहबाज खान इज ऑन द लाइन सर पिकट कमांडर ने फुर्ती ऐसी फोन संभाला शहबाज खान दोस्त को अहतराम से फौरन रख्सत कर दो ख्याल रहे मामला सिर्फ तुम तक महदूद रहे दूसरी तरफ से हुक्म मिला सर, उसने कहा और रहा कट गया शहबाज खान ने जबरदस्ती नौवारद को चाय पिलाई और खुद उसे बुरजी तक छोड़ने आया ये मामला उस तक और उसके हवालदार तक ही महदूद रहा था कर्नल साहब ने दूसरी तरफ तवील सांस लेकर फोन आहिस्ता से क्रेडल पर रख दिया उसके साथ सूबेदार लाल मोहम्मद भी खड़ा था कर्नल साहब ने एक नज़र बूढ़े सूबेदार इंस्ट्रक्टर की तरफ डाली Well सूबेदार साहब आपके पट्टे ने हक अदा कर दिया उन्होंने तारीफी नजरों मैसेज भटिंडा में मौजूद नेट की तरफ भेजा जा रहा था क्योंकि ऑन कार पूरी की आरवी अब बदल चुकी थी वो मुतमिन थे कि अपने सफर के आगाज ही पर उनके होनहार पट्टे ने एक डबल क्रॉस का सफाया कर दिया था और कई दूसरे उसके शर से महफूज हो गए थे उनका दिल गवाही दे रहा था कि उनका पट्टा भेड़ियों के इस रेवड़ के काबू नहीं आ सकेगा और बिफाजत मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा वो रात कर्नल और सूबेदार साहब ने मुसल्लों पर गुजार दी सारी रात वो सजदे में गिरे आबिद खान की सलामती की दुआएं मांगते रहे खान ने पांच छह मील का मजीद फासला तय कर लिया था जब उसे एक और गाँव रास्ते में दिखाई पड़ा गाँव के मंदिर में लगे लाउड स्पीकर ऐसी पूरे शोर के साथ भजन कथा की आवाजें बुलंद हो रही थी और वो सोच रहा था कि रात इसी गांव में गुजार दे या यहां से निकल जाए बिलाखिर उसने लंबा चक्कर काट कर आगे निकल जाने की ठान ली अब वो गांव की एक समत में दो ढाई ही निकला था जब उसे खेतों के सिलसिले से कुछ दूर गुजरती सड़क पर मुतहरक रोशनियां दिखाई दी ऐसी मुतहर रोशनी फिर बाएं तरफ रिंगती महसूस हुई खान ने सोचा वो घेरे में आ गया है क्या बात कुछ भी थी अब सीधे आगे बढ़ते चले जाना गलत था उसकी उकाबी नजरे उस टीले की तरफ उठी जो उससे कुछ दूर एक वीराने में नजर आ रहा था शायद किसी की समाधि हो उसने सोचा कुछ भी हो उसके लिए वक्त यहां छुपने के सिवा और कोई चारा कार नहीं था खान के कदम उसी तरफ उठने लगे करीब होने पर टीले के आसार नुमाया होने लगे ये एक खंडर की शक्ल का मंदिर था जिसको बढ़ के एक टूटे दरख्त ने मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था बड़ी बड़ी जंगली घास भी चारों तरफ उगी हुई थी खान ने ये उजाड़ मंदिर गनीमत जाना और वही पनाह लेने चल दिया थोड़ी देर बाद ही वो मंदिर के एक टूटे फूटे छज्जे की तरफ से उसके अंदर दाखिल हो गया लेकिन अंदर हॉल कमरे में मूर्ति देख कर चौंक पड़ा उसे वहाँ भीनी भीनी खुशबू इस बात का एहसास दिलाने के लिए काफी थी किसे मंदिर उजाड़ नहीं बल्कि आबाद है दबे पाओ मोहतात और चौकन्ना होकर वो अंदर दाखिल हो गया करीबन पांच मिनट तक उसने वहाँ घूम फिर कर इस बात का यकीन कर लिया था की जहाँ कोई जीरो सिवाय उसके मौजूद नहीं अब वो मूर्ति के पीछे जिसका जबड़ा किसी को निगलने के लिए खुला हुआ था खड़ा दीवार में खुली खिड़की के बाहर उस रास्ते पर झाँक रहा था जिससे वो चल कर यहाँ तक आया था अचानक ही वो चौंका एक दिया जलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था फिर उस दिए के पसे मंजर में एक हजूला भी दिखाई पड़ा बिजली किसी फुर्ती से पंजों पर भागता वो बाहर आ गया वो हॉल कमरे में बनी सीढ़ियों के जरिए जो इतनी शिकस्ता थीं कि किसी के उन पर से गुजरकर ऊपर पहुंचने के इम्कान बिल्कुल खत्म हो चुके थे हॉल कमरे की छत पर किसी न किसी तरह फिसलता संभलता पहुंच गया छत में देवी ऐसी कुछ फासले पर पुरानी तर्ज तमीर के रोशनदान के जरिए जिसमें सलाखें लगी हुई थी उसने नीचे नजरें जमा दी थोड़ी देर बाद एक लड़की अंदर पहुंच गई रात की इस तनहाई और उजाड़ मंदिर में वो उसे करनों पुरानी कोई खूबसूरत देवता या उसकी बिछड़ी हुई रूह दिखाई दे रही थी दिए को उसने देवी के चरणों में रख दिया जब उसका मुकम्मल चेहरा खान को दिए की पुरसरा रोशनी में नजर आया तो उसका दिल धक से रह गया औरत इतनी हसीन भी हो सकती है उसने सोचा और सोचता ही रह गया उसे यू लगा जैसे कमरे में इस तादा भयानक शक्ल वाली गाली माता अचानक ही खूबसूरत पार्वती के रूप में प्रकट हो गई है अगला मंजर तो आबिद खान को बौखला देने के लिए काफी था पार्वती देवी ने झुककर मूर्ति को शेष नवाए उसके चरण छुए और देवी को माथा टेकने के बाद आलती पालती मार कर उसके चरणों में बैठ गई उसके लंबे स्याह बालों ने उसके कंधे और किसी हद तक सीना ढांप रखा था और वो दोनों हाथ सीने पर बांधे मुंह ही मुंह में कोई मंत्र जाप रही थी खान को अपनी रगों में लहू खोलता महसूस हुआ इस गजबनाक माहौल से उसे निजात जीप के इंजन की आवाज ने दिलाई जो अब बड़ी वाजे उसके कानों में घुस आई थी आवाज की समत उसने नजरें दौड़ाई और अपनी जगह बिल्कुल मंजमित होकर रह गया मंदिर के दोनों अतराफ से दो जीपे उस तरफ आ रही थी जिनकी हेडलाइट्स उन लोगों ने एहतियातन बुझा रखी थी आहिस्ता आहिस्ता चलती दोनों जीपें मुखालिफ समतों में आकर रुक गयी उसके ने अंगड़ाई ली जाल खान को याद आ गया उसे बताया गया था कि सरहदी मजाफात में कदम कदम पर भारतीय सिक्योरिटी ने ऐसे ही जाल बिछा रखे है वो लोग बशरी कमजोरियों पर कड़ी निगाह रखते थे और उनसे फायदा उठाने के फन ऐसी भी उन्हें आगाही मयसर थी लेकिन जहाँ मुकाबला फौलादी आसाब रखने वाले खान से था एक लम्हे के लिए वो ठिटका जरूर था लेकिन घबराना तो जैसे उसकी सुरिश्त में दाखिल ही नहीं था उसने चंद रुक कर का लिया। जीपों की माहौल यकदम बरहना हो गया छत से चिमटे खान की आंखें बड़ी तेजी से चारों तरफ घूम रही थी उसने दोनों जीपों से मुसल्ह सरहदी मुहाफिज निकल कर मंदिर के चारों तरफ फैलते देख लिए थे वो लोग पहले से तयशुदा किसी मनसूबे के मुताबिक इस इलाके को घेर रहे थे शायद ये उनकी कोई रिहर्सल थी जो अब हकीकत का रूप धारने लगी थी खान के लिए सिवाय इसके और कोई चारा कार नहीं था कि यूं ही छत से चिपका हालात की सितम जरीफी का नजारा करता रहे वो बस चूहे की तरह इस जाल में फंसने का तस्वर भी नहीं कर सकता था लेकिन उसके गिरदा गिर्द घेरा इतना शिद्दत से तंग होने लगा था की अब वाकई मुकैद होकर रह गया था बाहर के माहौल की संगीनी से निजात हासिल करने के लिए सिर्फ एक लम्हे को उसने दोबारा छत पर लगी सलाखों में से नीचे नजर दौड़ाई माहौल की जकसानियत में कोई फर्क नहीं पड़ा था जीपों जीपो ऐसी भागते बी एस एफ के जवानों की आवाजें और उनके अफसरान की हिदयात उसे बड़ी वाजे सुनाई दे रही थी लेकिन लड़की तो जैसे पत्थर की बनी हुई थी और अब तो खान को यूं महसूस होने लगा जैसे जहाँ एक की बजाय दो पत्थर की मूर्तियाँ धरी है क्यूँकी एक स्थानीय को भी लड़की के आलमे इस तकराक में फर्क नहीं आया था वो उसी तरह देवी के सामने ने आलती पालती मारे और सीने पर दोनों हाथ बांध कर मुँह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी खान की तमाम पूरी तरह बेदार थीं और उसका जहन तो जैसे कभी सोया ही नहीं था फिल वक्त उसके लिए यही छत से चिपके रहने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था उसने छत पर लेटे लेटे चारों तरफ नजरें घुमाई एक कोने में उसे एक टूटी हुई ममटी का एहसास हुआ एक लम्हे के लिए उसने सोचा की यहाँ से उठ कर वहाँ जा बैठे लेकिन फौरन ही उसके जहन ने रहनुमाई की ऊपर आने वाले सबसे पहले इस ममटी की तरफ आएंगे अचानक ही उसके जहन ने पलटा खाया और उसकी आंखें चमक उठी उसे अपनी बेवकूफी पर गुस्सा भी आया कि अब तक उस तरफ उसका ध्यान क्यों गया था बूढ़े बरगद की बेशुमार टहनिया उससे थोड़ी ही दूर मंदिर की छत पर फैलती चली गई थी किसी मैके अमल के ताबे वो बिजली किसी फुर्ती से उठा और बिल्ली की तरह झुक कर पंजों के बल चलता हुआ दरख्त की शाखों तक पहुँच गया ये उसकी खुशकिस्मती के थोड़ी देर पहले तक फजा बिल्कुल साकित थी लेकिन अब पूरब से पश्चिम की तरफ हवा ने रीघना शुरू कर दिया था और दरख्तों के पत्तों की खड़खड़ाहट इतनी वाज थी कि उसकी टहनियों का एहसास किसी को दूर ठंडक की अपने जिसम को माहिर बाजी की तरह तोला और दूसरे ही लम्हे वो किसी बंदर की तरह अपना जिसम फजा में तोलता हुआ दरख्त की एक टहनी से दूसरी पर मुंतकिल होने लगा था बमुश्किल दो मिनट बाद ही उसे एक जाए पनाह मयसर आ गई दरख्त शाखों में वो जिस जगह पहुंच चुका था वो हिस्सा इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी छन कर अंदर ना आ सके उसने खुद को फिल वक्त यहीं रखने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज के एपिसोड उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए कॉमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर, कर लीजिए